हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जगाने आया हूँ और ये समझाने आया हूँ कि आप ज़िंदगी कैसे जी हैं। आप ये समझें, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जरा सा बड़ा होता है, सबसे पहले वो सीखता है ना कहना। और हम लोग एज अ पेरेंट या बड़े लोग, हम क्या करते हैं, उस बच्चे को ग्रेजुअली हाँ की तरफ ले आते हैं। धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, वो टीवी देखता है, मूवीज़ देखता है, वो सपने देखने लगता है, मैं भी सुपरमैन बनूँगा। वो कहता है चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ, तो मैं भी पता नहीं क्या बनूँगा बड़ा होके। बड़े बड़े सपने वो देखने लगता है और उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं, बेटा करोड़ों में एक आदमी ऐसा निकलता है, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो, सपने देखने बंद करो और धरती पर आ जाओ। वो बच्चा सारे सपने अपने भूल जाता है और समाज के हिसाब से जीने लगता है, जैसा समाज चाहता है। अब वो बच्चा समाज के हिसाब से चलता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, फिर अपना करियर बनाता है, फिर एक लड़का है तो एक अच्छी लड़की से, लड़की है तो एक अच्छे लड़के से शादी कर लेते हैं, फिर परिवार बनता है, फिर एक अच्छी सी जॉब की वजह से नया घर खरीदते हैं, उसकी किस्तें देते हैं, अच्छे समझदार इंसान बन जाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, सब कुछ चलता रहता है, बट उनके जो सपने हैं वो मर गए। अब वो एक रूटीन ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। कुछ समय बाद उनके बच्चे सेटल हो जाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई कहाँ है, तो बच्चे एक अलग घर में रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ या उनका हस्बैंड, बेटी है तो शादी करके अपने घर चली गई, बेटा है तो वो शादी करके जहाँ उसका कैरियर है वहाँ चला जाता है। तो बुढ़े बुढ़िया आप दो लोग अकेले रह जाओगे। ये उस बच्चे की कहानी बता रहा हूँ, अगर आप अपने से रिजेंबल कर पाए तो सोचिएगा। तो वो बुढ़े बुढ़िया दोनों जने अकेले रह गए घर में। कुछ समय बाद दोनों में से एक की डेथ हो गई, दूसरा फिर भी जिए जा रहा है। जीते जीते कुछ सालों बाद अचानक कभी कोई एक्सीडेंट होता है, टक्कर खा के घर में गिर गए या कुछ और हुआ, और उसके बाद आपकी याददाश्त चली गई, फिर आप भूल गए आप कौन हो क्या हो। पर अचानक आपको याद आता है, यार मैं तो सुपरमैन हूँ। इतनी देर में आप मर जाते हो। क्या आप इसीलिए जिंदा हैं? थोड़ा सा विचार करें कि क्या आप अपने सपनों के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद रखेंगे जब तक कि मौत आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे, या आप अपने सपने पूरा करना चाहेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने सपने देखिए, हम सब में वो क्षमता है, हम जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि हमको ये समझना है, हमें उन सपनों को पाने के लिए अगर दो कदम चलने की ज़रूरत है तो हम दो कदम चलें, 200 कदम चलने की ज़रूरत है तो 200 चलें, और 2000 कदम चलने की ज़रूरत है तो 2000 कदम चलने के लिए हम तैयार हों। अगर हम सोचेंगे कि बस सपने हमने देखे और वो पूरे हो जाएं, तो बिलीव मी दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर क्या आप मरते समय इस रिग्रेट के साथ मरना चाहेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी जिया ही नहीं? अब भी समय है दोस्तों, एज के जिस भी पड़ाव में आप हैं, जाग जाएं। जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं उसकी कोशिश तो करें। एक पुरानी कहावत है, अगर आप तारों पे निशाना लगाएंगे तो कम से कम इस फेंस के बाहर तो आपका तीर जाएगा। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सपने देखें, बड़े सपने देखें, क्योंकि अगर छोटे सपने देखेंगे तो आप उन्हें आसानी से अचीव कर लेंगे, वो फिर हमारे समाज के बंधे हुए ढर्रे के होंगे। तो अगर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं मौत से पहले, तो जागें, अपने सपनों को दोबारा से ढूंढें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। आप सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुए कि बड़े हों, सरकार को टैक्स दें, अपना काम करें, एक सिंपल लाइफ जिए और चले जाएं। आपका जन्म किसी और पर्पस के लिए हुआ है, अपना वो पर्पस ढूंढें और उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करें। अगले वीडियो में मैं इस पर कुछ कोशिश करूँगा, और अगर आपको किसी मेंटर की, कोच की ज़रूरत हो तो यू कैन ऑलवेज Ask me, कोई परेशानी नहीं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ।
पिछले वीडियोस में मैंने आपको सब बताया किस तरह आप मेरे तक अप्रोच कर सकते हैं। सो धन्यवाद एंड नमस्कार।